जामुड़िया थाना क्षेत्र के ईसीएल न्यू केंद्र कोलियरी के ओसीपी से कोयला खनन के बाद मिट्टी अथवा बालू की जगह राख भराई किए जाने को लेकर ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों ने राख भरे जाने का कड़ा विरोध किया। लोगों ने केंद्र कोलियरी के एजेंट ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर अविलंब राख भराई का कार्य बंद नहीं किया जाता है तो ईसीएल प्रबंधन के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जामुड़िया थाना क्षेत्र की ईसीएल के न्यू केंद्र कोलियरी के ओसीपी से कोयला खनन के पश्चात माटी अथवा बालू की जगह पर छाई भराई किए जाने को लेकर ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को ग्रामवासी पहले उस जगह पर पहुंचे जहां छाई की भराई की जा रही है। लोगों ने यहां छाई भरे जाने का विरोध किया। इसके बाद केंद्र कोलियरी के एजेंट ऑफिस में जाकर विरोध जताया। ग्रामवासियों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि छाई भरे जाने से पूरे इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। हवा चलने से छाई उड़कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, जिसके कारण आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छाई से फैल रहे प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि अगर अविलंब छाई भराई का कार्य बंद नहीं किया जाता है तो ईसीएल प्रबंधन के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो वे लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र ग्राम के बासिंदों का कहना है कि ईसीएल प्रबंधन द्वारा ओसीपी से कोयला खनन कर लेने के बाद वहां मिट्टी अथवा बालू की भराई की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके जगह पर छाई भरी जा रही है। कोयला खनन कर लेने के पश्चात यह जमीन कृषि योग्य नहीं है और यह जमीन एक तरह से बंजर हो चुकी है। इसके ऊपर छाई डाल देने से आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलेगा। इसे लेकर ईसीएल अधिकारियों के पास जाकर ग्रामवासियों ने अपनी चिंता जाहिर की। ईसीएल प्रबंधन को सिर्फ कोयला खनन से मतलब है, उसे ग्रामवासियों के जान माल की कोई परवाह नहीं है। सब बोल 14 बच्चे बेकार छिले के काज दिया होबे किए होबे केओ तो 10 मास पेट में पेमेंट पाई नहीं। ईसीएल माटी केटे पैसा नहीं चली गलो, कोयला नहीं चली गलो, हमारे के दिखाई दिले के এখন আমরা এখানে কি খাবো? চাষও হবে না, কোনো কিছুই নাই, কোনো কিছুর করা নাই। তারপরে আপনার এই ছাই ফেলাই দিচ্ছে, তিন মাস ধরে ছাই পড়ছে, তিন মাস ধরে ছাই বলুন পুকুরে ভরে গেছে, কুয়াতে ভরছে, ও তো এসিতে থাকবে, আমি কোথায় থাকবো বলুন? আমাকে এখানেই থাকতে হবে, বললে গ্রাম উঠাবো, গ্রাম উঠলে না। এসিএল কোলেরি তিনটে কোলেরি বন্ধ করে দিলে, যে যা পাচ্ছে নিজের মনে ম্যানেজমেন্টকে বলেছে, ম্যানেজমেন্টও কোনো কিছু করছে না, নেতাদেরকে বলেছি, নেতারাও কেউ কিছু করছে না, সব নিজের নিজের ধান্দা, নিজের নিজের পকেট ভরছে, মানি ভরছে, চলে যাচ্ছে। এখানে তারা কি এখানকার লোক বেকার ছেলেরা পড়ে রয়েছে, বলুন কি হবে? এই যে কেমিক্যাল আছে, এ চুলকানি হয়েছে, আমার তো খাবার পয়সা নেই, তুমি ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথায় পাবো? হ্যাঁ বলুন, এগুলো আমি কোথা থেকে পাবো? তাহলে ও যে এসিতে থাকবে তা আমি কোথায় থাকবো? তুমি ওই গাড়ি ডাকুন, নেতাদেরকে ব্যবস্থা করুক, আর নাই মাটি ফেলাক, মাটি ভরাট করুক, আমরা রেডি আছি, ছাই ফেলাই তো দেবো না। এখন জামুড়িয়া সে তারকনাথ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। বিগত 37 বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফিলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথে গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড রানীগঞ্জ আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট, ফোন নম্বর 7602363191, 9333100564।